आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला दो टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। आज मेरी बेगम मैनु कह दिए कि यार मेरा कद बहुत छोटा है, मैं चलो खैर है, जबान तो लम्बी है। जी तो नाजरीन, इंटरनेट की दुनिया से आपके लिए लाए हैं मजाहिया तरीन मीम्स और पोस्ट, तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सुहेल, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैडम जी, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ, दो किस लिए? क्या बोला तूने? किस लिए? हाँ, दो किस लिए? अबे नलायक, मैं पूछ रही हूँ किस लिए? हाँ मैडम, दो किस लिए? अबे क्यों गया था भूतनी के मिलने? किस लिए ने? मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ, ठीक है? मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पता है तुम किस चीज में सबसे अच्छी हो? किस चीज में? बोंगिया मारने में। एंड फॉर बेस्ट बोंगिया गोज टू सिद्रा बतू। अच्छी बीवी न पैसे मांगती है, न तंग करती है, न शॉपिंग पे जाती है, और ना ये इस दुनिया में पाई जाती है। दोस्तों, हमारा मकसद आपके प्यारे से चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। बाबा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कुछ उपाय बताओ इस परेशानी से दूर होने का। बच्चा, तेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है, एक चुड़ैल है जो तेरे घर में रहती है 24 घंटे। खबरदार, अगर मेरी बीबी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो अपनी बीबी के खिलाफ नहीं सुनूंगा कुछ भी। बाबा, तेरी बीबी को न कह दिया, मेरी बीवी तो रह 24 घंटे मेरे घर में, चुड़ैल रह तेरे घर में। मैं तो घर बताऊंगी मैं चुड़ैल हूँ या क्या हूँ। एक तो तुम्हारी साइड ले रही हूँ यार, चलो तुम घर चलो। जीतो पाकिस्तानियों, क्या शादी के बाद आपके भी ये वाले फीलिंग्स है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझसे आज एक बंदे ने पूछा, आप कहाँ के हो? मैंने कहा, भाई मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा। हाय यार, आप ना सच में बहुत प्यारे हो, मतलब जैसा आप इंस्टाग्राम पे हो ना वैसे ही रियल लाइफ है, मतलब कोई फिल्टर नहीं है। ओ थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है मुत्तसिम, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं मुत्तसिम से शादी करने के लिए राजी हूँ। आपको निकाह कबूल है बेटा? नहीं, मुझे निकाह कबूल है। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। दोस्तों, सिया ने कहते हैं मैट्रिक फेल लड़कियों के दिमाग अक्सर खराब रहते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल अभी आप वीडियो में देख चुके हैं। मैडम जी, आई एम गोइंग का मतलब क्या है? मैं जा रही हूँ। मैडम जी बता दो ना। अरे बोला ना मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, मेरे पापा ने पूरी फीस जमा करी है, बता के जाओ। बार बार जा रही हूँ जा रही हूँ। पागल, इसका मतलब ये है मैं जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है। टीचर साहिबा स्टूडेंट्स को अच्छी जिंदगी गुजारने के उसूल बता रही है। बच्चों, वादा करो कभी सिगरेट और शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे। कभी किसी लड़की का पीछा नहीं करोगे। नहीं करेंगे। कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। नहीं करेंगे। अपने वतन के लिए जान भी दे दोगे। दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या। हाँ मैडम जी, सही कह रही है। मैं अपनी मशूक नु आखा तू मेरी रस मलाई है, मैनू आंदी तू मेरा काला गुलाब जामन। चले गभरू दा ना ला 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 हो गई हर था।
मैडम जी, आई हेट यू का उल्टा मतलब क्या होता है? आई लव यू टू मैडम जी। आप मेरी गर्लफ्रेंड आज से। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।